अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, आज बरसात स्टार्ट हो गई है और जम्मू जो है वो लग गए हैं बागों में। ये वो दरख्त है, ये वो फ्रूट है जिससे हमारी मोहब्बत जो है बरसात के साथ शुरू होती है। गर्मी आती हैं तो जामुन और गर्मी और बरसात का चोली दामन का साथ है। लेकिन जामुन हमारी बहुत ही निगलेक्टेड फ्रूट है पाकिस्तान में, और ये लकीली मैं आपको बताऊँ, जामुन जो है पाकिस्तान का नेटिव फ्रूट है। इसके साथ ये इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और कुछ इंडोनेशिया के इलाकों में भी जामुन पाया जाता है। और जामुन जो है जितनी ये निगलेक्टेड है, जितना ये छोटा फ्रूट है, उतना ही मेडिसिनल हवाले से भी बहुत ही अहम फ्रूट है। इसके पत्ते, इसका फ्रूट और इसके फ्रूट के अंदर जो पाई जाने वाली गुठली है, उससे लेकर इसके तनों की छाल तक हर चीज़ जो है इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन इसके अंदर मेडिसिनल वैल्यूज़ रखी हुई हैं। तो हमारे पाकिस्तान में देखा गया है कि हमारे फार्मर जो है इसको इस तरह निगलेक्ट कर देते हैं कि वो इससे खातरख्वाह फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। आज के प्रोग्राम में हम आपको इसकी जो मार्केटिंग के हवाले से आपके साथ बात करने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हम इसकी वैल्यूडेशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जामुन ग्रो करने वाला जो एरिया है, ये समुद्री है। समुद्री के चक नंबर 385, 386, 387, 388, ये 4-5 गाँव ऐसे हैं सराउंडिंग में जिस पे पूरी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जामुन जो है ना वो उगाई जाती है। पूरे इलाके में सैकड़ों जो है यहाँ से ट्रक जो हैं डेली के हिसाब से पाकिस्तान की मंडियों में जाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे इसी बाग के फार्मर के साथ जहाँ पे हम मौजूद हैं और हम भी जामुन पिकिंग करने का मज़ा ले रहे हैं। तो आइए चलते हैं उनसे मुलाकात करें। क्या कमाल का टेस्ट है जी। ये हमें ज्वाइन किया जी अमीर हमजा भट्टू साहब ने। अमीर हमजा भट्टू साहब को मैं आपको बताऊं कि इस जामुन वाली गांव के पहले ग्रेजुएट्स हैं, जिनका एक मिशन लेके चले थे कि हमने अपनी इस जामुन को जो है इसकी पैदावार को बढ़ाना है, इसके ऊपर काम करना है। कैसे हैं भट्टू साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूं। आपने तो कैसे ये इंस्पायरेशन थी ज़रई जो आपने डिग्री ली है इसके ऊपर और इस गाँव के पहले ग्रेजुएट्स हैं, तो क्या कैसा लग रहा है सर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं खुद फार्मर हूं और मैं इस कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा वाबस्ता रहा हूं। उसके बाद जब मैंने सर देखा कि वर्ल्ड में हमारा जो मैंगो फेमस हो चुका है, मैंगो एक्सपोर्ट हो चुका है, हमारा सिट्रस जा रहा है, सिट्रस एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हमारे इस स्पेसिफिक एरिया की तो इकोनॉमी जो है वो बेस इस पर कर रही है। अच्छा, तो मेरा यही था कि मैं क्यों ना इस फील्ड में आऊँ। हमारे जो लोग हैं अभी भी उसी रवायती काश्तकारी पर चल रहे हैं, तो मैं इस काश्तकारी को जदीद तरीके में कैसे ला सकता हूँ। तो मुझे इसलिए ये बहुत अच्छा पेशा लगा क्योंकि मैं इससे बहुत अरसे से मुंसलिक था और एक अच्छी इसके साथ मेरी हाव नाव हो चुकी थी, तो इसलिए मुझे ये भाई मोस्टली देखा जाए गया कि बच्चे जो है ना ये डिग्री बराबर डिग्री लेते हैं जी, उनका जी, मकसद होता है कि हमें सिर्फ डिग्री लेनी है। लेकिन आपका एक मिशन है कि आपने कहा कि मैंने अपने इलाके की इस जामुन को जो है इसके ऊपर काम करना है, इसकी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो हैं जो उसके ऊपर उसको कम करना है और अपने फार्मर को जो है ना आपने गाइड करना है, यानी आपने अपना किरदार अदा करना है इस जामुन को लेके। ये तो बड़ी बात है कि आप एक मिशन के लिए डिग्री आपने हासिल की। बिल्कुल सर, हमारे आज के माशरे में ऐसा ही हो रहा है कि लोग डिग्रीज लेते हैं और जॉब की तलाश में चले जाते हैं। इवन बिजनेस अगर किसी को कहें तो वो बिजनेस समझते हैं शायद एक टेबल वाला रूम हो, उसमें बैठ के ऑफिस हो, टैप टैप हो रही हो, उसको बिजनेस समझते हैं। लेकिन बिजनेस यही बिजनेस है, यही इंडस्ट्री है, इसी से उसी स्टेज पे जाया जा सकता है। जैसे आपने जिक्र किया कि पोस्ट हार्वेस्ट जो इसके एस्पेक्ट्स थे उसको ओवरकम करने की मेरी जो कोशिश चल रही है वो यही है कि हमारे फार्मर जो हैं वो इसको हार्वेस्ट करते हैं और जो इसके लॉसेज होते हैं जब रेन्स का सीज़न स्टार्ट हो जाता है या बहुत ज़्यादा आंधी आ जाती है तो इसमें हमारा फ्रूट जो है वो बहुत ड्रॉप कर जाता है, बल्कि वो लॉसेस को कंसिडर ही नहीं करते जी। बिल्कुल ऐसे ही है, वो उसको कंसिडर नहीं करते। इवन वो ये समझते हैं कि ये शायद हवा की वजह से हो गया या हम इसको किस तरह इस्तेमाल करें। तो मेरा यही एक मोटो रहा है कि एक तो हम इसको जो है इसकी कन्वेंशनल जो कल्टिवेशन है उसको जदीद करें, उसको प्रैक्टिकल करें, और दूसरा जो है इन ये जो हमारा फ्रूट ड्रॉप होता है या फ्रूट हमारा ख़राब होता है इसको अच्छे वे में यूटिलाइज़ करके इसकी बाई प्रोडक्ट्स तैयार करें
या इसके कोई अल्टरनेटिव जो फूड्स हैं वो उनको तैयार करके इसको सेव किया जाए, इसको एक लॉन्ग टर्म लेके जाया जाए जो कि एक शॉर्ट सीजनल फ्रूट है हमारा। सबसे पहले तो बताएं अमीर हमजा कि ये जो जामुन है इसके लिए किस तरह का एरिया जो है, किस तरह की इन्वायरमेंट दरकार होती है जो आपका ये एरिया जो है यहाँ पे मकबूल हुई है, तो मिट्टी का स्ट्रक्चर और मॉइस्चर और हवा के बारे में, इसकी जो है ना क्लाइमेट किस तरह की चाहिए? बिल्कुल सर, इसको जो है वो हॉट क्लाइमेट चाहिए। जिस तरह फैसलाबाद के जो रीजन है इसमें ऐसी क्लाइमेट है जो जिसमें समर भी एक सूटेबल टेम्परेचर तक रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, और विंटर जो है वो भी जो हमारी विंटर है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। बेसिकली ये एक नॉर्मल पीएच होनी चाहिए इसकी जो सॉइल है, और सेलिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए इसमें। आप विज़िट कर लें, जितने भी ऑर्चर्ड्स आपने देखे होंगे हर प्लांट के नीचे आपको ग्रासेस जो हैं वो मौजूद मिलेंगे। ये ऐसा प्लांट है, इसकी रूट्स के करीब करीब आपको ये देख लें आप, ये हमारे करीब फार्म है तो इसमें आपको ग्रास भी नहीं मिलेगा, इतना ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है, जिसकी वजह से इसको हाई सेलिनिटी सॉइल चाहिए और उतनी ही इसके साथ साथ इसको खुराक भी चाहिए। हमारे जो पुराने फार्मर्स हैं वो बेसिकली इसकी खुराक को एक नॉर्मल रूटीन समझते हैं कि ये अपनी रूटीन से ही जो अपनी खुराक वो पूरी कर लेता है, जब को इसको बहुत ज़्यादा खुराक चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे फार्मर जो कि रूरल एरिया है तो इसमें लोगों ने अपने मवेशी रखे हुए हैं, मवेशी रखे होने की वजह से उनके पास जो है काऊ डंग जो है जिसको हम गोबर कहते हैं वो बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में मौजूद होता है, उसका उसकी खाद बनाई जाए या उसको एज इट इज़ जो है फार्म यार्ड मन्योर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं वो इसके लिए सबसे बेस्ट है। इसके अगर हम पौधे देखें वाया सीड, इसके पौधे ज़्यादा बेहतर हैं ग्राफ्टिंग के हिसाब से बेहतर हैं या इसके लेयरिंग के हवाले से बेहतर, कौन से पौधे आप रिकमेंड करते हैं फार्मर को? मैं बेसिकली सर अभी तक तो जो चल रहे हैं वो बाई सीड ही चल रहे हैं, उसमें किसी हद तक म्यूटेशन आ सकती है, लेकिन हमारे एरिया में कुछ ऐसी बहुत अच्छी वैरायटीज़ मौजूद हैं जिनकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी है, जिनकी जो पीलिंग भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसके ऊपर जो उसका बेसिकली आप कह लें कि उसकी स्वीटनेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। आप इमेजिन कर सकते हैं तकरीबन 2.5 से 3 इंच का फ्रूट वो भी हमारे एरिया में मौजूद है। अगर इसके जर्म प्लाज्मा पर जिस तरह आपने कहा बात है कि यहाँ पे कुछ ऐसी वैरायटी आइडेंटिफाई की है आपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसने रिजल्ट दिया जी, बिल्कुल उनके साइजेस के हिसाब से, उनकी इसकी पल्प के हिसाब से, इसके टेस्ट के हिसाब से बड़ा अच्छे उसने एक रिजल्ट दिया, तो ऐसी वैरायटी तो आइडेंटिफाई होनी चाहिए। बिल्कुल तो बहुत जरूरी काम है इसके ऊपर। हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे एक जो भाई उन्होंने इस पर डिग्री की, रिसर्च भी किया है, तो उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान के मोस्ट वराइटीज़ के जो जर्म प्लाज्म है वहाँ पर इकट्ठा किए हैं, अभी वो ट्रायल बेसिस पे हैं, वो चल रहे हैं, तो जैसे ही उनका कोई रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह हमारे पास एक बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट। ये बहुत बड़ा काम होगा पाकिस्तान के लिए जी, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि हमारे जो फार्मर जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए कि एक तो पर एकड़ कितने पौधे इसके जो है आप यहाँ पे रिकमेंड करते हैं या आप कितने लगा रहे हैं यहाँ पे? सर अभी तक जो हमारे एरिया में लग रहे हैं वो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 22 सीड चलते हैं, फिर वो 5 साल बाद फ्रूटिंग पे जाते हैं, तो जो बहुत सारे अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर की रिपोर्ट के मुताबिक हमें 30 to 35 feet का जो है वो डिस्टेंस रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन साइंस की जो स्टडी है या एक्सपर्टीज़ है वो ये कहती हैं कि हम इसको ड्वार्फ वैराइटीज़ में लेके जाएं, इसका जो प्लांट का साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा ना होने दें, उसके हमें दो ऑन ग्राउंड बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। एक तो हमें जो हमारी लेबर कास्ट है वो रिड्यूस होगी, जैसे वो सीढ़ियां लगा के जी बिल्कुल इसी तरह ही है, एक बंदे ने 40 to 45 feet की सीढ़ी लगानी है, जारी बात है वो उस लेवल का एक्सपर्ट है, उसने डिमांड भी वो करनी है, ठीक। इवन दो नॉर्मल जो लोग हैं वो नॉर्मल सीढ़ी लगा सकते हैं, तो जिस तरह अपना प्लांट छोटा होगा उस तरह इसकी लेबर कास्ट जो है वो भी कंट्रोल हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा उसका ग्राउंड बेनिफिट ये है कि आपको उसकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस करनी है वो आसान हो जाएंगी, आपने फर्टिलाइज़र अप्लाई करनी है, आपने उस पर स्प्रे करनी है, पेस्टिसाइड अप्लाई करना है, तो हमें एक हैवी ड्यूटी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, या तो वो बाई ट्रैक्टर यूज़ होती है या किसी पंप के साथ इस्तेमाल होती है, तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। अगर इसका हम साइज़ रिड्यूस कर देंगे तो हमें जो उसका वो भी ज़्यादा इतने बड़े पौधों पे आपने स्प्रे भी करना है बाकी प्रैक्टिस जी बिल्कुल तो अभी तक जो हमारे एरिया में रिकमेंडेड चल रही है वो 30 to 35 है, लेकिन आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि हम इसको हाई डेंसिटी पर लेके जाएंगे और ड्वार्फ वैराइटीज इंट्रोड्यूस करवाएंगे सेम लाइक जैसे मैंगो की। तो इसमें कौन कौन सी वैराइटीज़ हैं यहाँ पे जो अभी तक आपके यहाँ पे इलाके में पाई जाती हैं? सर सबसे पहले और सबसे पुरानी जो वैराइटी है वो देसी है, ठीक। वो बहुत साइज़ में स्मॉल होती है और स्वीट भी होती है, ठीक। उसके बाद हमारे जो सुराही है, उसके बाद हमारे यहाँ पे है फार्मी जामुन है जो यहाँ पे मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और रा है,
और उसके बाद एक हमारे पास जामन यहाँ पे इस्तेमाल होता है गोला। ठीक, इसका मतलब काफ़ी सारी वैरायटीज यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर ली और लगा रहे हैं सर। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप इसके थोड़ी सी बता दीजिए कि बीमारियों के हवाले से, फर्टिलाइज़र के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें कि कितनी ज़रूरत है और इसकी क्या प्रैक्टिस हैं इसकी। फर्टिलाइज़र सर साल में इसको हम रिकमेंड करते हैं कि दो दफ़ा देनी चाहिए। एक दफ़ा जब इसके पत्ते गिर जाते हैं, तब जब नए पत्ते निकल रहे हैं, और दूसरा जब इसकी हमारे पास हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद जो हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये अपने स्टेम्स को या अपनी न्यूट्रिशन को बहाल करता है। उसके बाद जब इसके नए पत्ते निकल रहे होंगे तब तो इसको खुराक की ज़रूरत होती है, तो तब हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप तब भी जो है इसकी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, जो फार्म यार्ड मैन्योर बेसिकली है वो इस्तेमाल करें, ताकि इसमें इसके न्यूट्रिएंट्स पूरे हों। जितनी ज़्यादा इस पर फ्लशिंग आएगी उतना ही कंपैरेटिवली उस पर ज़्यादा फ्रूट आएगा। कौन सी बीमारियाँ ऐसी कौन सी हैं जो आप समझ रहे हैं इसके ऊपर हमलावर होती हैं जामुन के ऊपर? जामुन के ऊपर सर बीमारी जो है वो ज़्यादातर हमारे जो लोकल फार्मर की रिपोर्ट है वो ये है कि इस पर फ्रूट फ्लाई की तर्ज का एक इंसेक्ट है, बट वो फ्रूट फ्लाई नहीं है। ठीक, फ्रूट फ्लाई इसलिए नहीं है कि हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हमें बाकी जो क्रॉप्स में लाइक नज़र आ जाती है, उसकी फ्लाई नज़र आ जाती है, तो हमें इसमें वो नज़र नहीं आती। बिल्कुल ठीक, इसमें एक इंसेक्ट है वो जो इसके ऊपर बैठता है और इसमें जस्ट होल करता रहता है। होल करने की वजह से फ्रूट की जो शेप है वो इररेगुलर हो जाती है और उसकी जो है मार्केट वैल्यू वो कम हो जाती है। इस पर मिली बग भी आता है क्योंकि इसके नीचे सारा साल जो है वो छांव रहती है, तो उसको इसके छांव में बढ़ने का मौका ज़्यादा मिल जाता है, तो फिर वो सीज़न में इस पर अटैक कर सकती है। बेहतरीन। देखिए जी, अमीर हमज़ा वटू जैसे जो बच्चे हैं जो अपने इलाके के एक मिशन को लेकर निकलते हैं एग्रीकल्चर में, इन्होंने ये सोचा था कि मैं जामुन वाली गांव के जामुन वाले इलाके से हूँ तो मैंने जामुन के ऊपर काम करना है और जामुन को लेके मैंने अपने इलाके की किस्मत को बदलना है। तो ऐसे बच्चे रोल मॉडल्स हैं, तो बिल्कुल हमें स्टडी जो है ना वो डिग्री बाय डिग्री नहीं होनी चाहिए, डिग्री बाय प्रैक्टिकल काम होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप सिट्रस के जे एरिया से गुजरते हैं सरगोधा से, तो वहाँ पर लिखा होता है कि बेस्ट सिट्रस ग्रोइंग एरिया। इसी तरह जब मुल्तान से गुजरते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये बेस्ट मैंगो ग्रोइंग एरिया है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि हम इसके ऊपर भी काम करेंगे कि जब भी ये मोड M3 से ऊपर से गुजरा जाए, समुद्री का एरिया है, तो यहाँ पे लिखा गया होना चाहिए कि ये बेस्ट जामुन ग्रोइंग एरिया है यहाँ पे। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, हम अपनी मोटरवे अथॉरिटीज पर भी बात करेंगे कि ये चीज़ को हाईलाइट होना पूरे पाकिस्तान में बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम आपको फार्मर से भी बताते हैं, जो राजा फार्म के जो मालिक हैं राजा नईम कैनी साहब, उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं और पूछते हैं उनसे कि इसकी मार्केटिंग के हवाले से किस तरह के इकदाम कर रहे हैं। आप कितनी जो है ना पर एकड़ आपकी इनकम जो यहाँ से हो रही है? सर पर एकड़ अगर हम कम अज़ कम 6 लाख रुपया जो ना एवरेज हम कमा लेते हैं, ठीक, उसमें खर्चा आप निकालें 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, और पर एकड़ हमें 4 लाख माशाल्लाह बच रहा है। जी मेरे साथ मौजूद हैं जी राजा नईम कियानी साहब। राजा साहब ये फार्म के ओनर हैं और मैं आज इनसे बात करेंगे कि ये जामुन को जब ये हार्वेस्ट करते हैं और इसको मार्केट तक लेके जाते हैं, इन्होंने क्या क्या टूल्स अपनाए हुए हैं। तो जी राजा साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक सर। आप तो सबसे पहले आप अपना तारफ कराइए अपनी फैमिली का, ये कियानी फैमिली जो राजा फैमिली यहाँ पर आई कैसे आई और क्या कितनी ज़मीन है आपके पास यहाँ पर? जी हम आए हैं जी मंगला डैम से, 25-30 साल पहले की बात है जी। वो अबू लोग आए थे और मेरा रकबा है जी माशाल्लाह इधर 2 मरबे का, ठीक है, उसमें जो मेरा बाग लगा हुआ है जामुन का, पहले तो उसकी कोई कदर नहीं थी। अच्छा जी, 4 साल हो गए मुझे फेस्टिवल कराते हुए। आज माशाल्लाह आपकी वजह से लोग मुझे जब कॉल करते हैं तो कहते हैं राजा साहब जामुन फार्म वाले बात कर रहे हैं आप, मतलब तो मुझे जामुन के नाम से, जामुन के नाम से। आपने ये जो ट्रेंड सेट किया है ऑनलाइन और डायरेक्ट टू द कंज्यूमर, जी इसे देखें बहुत सी चीज़ें, आप जैसे अभी हमें फील हो रहा है कि फार्मर जो है ना वो अपनी प्रोड्यूस का प्रॉपर प्रॉफिट जो है ना वो नहीं ले पा रहा जी, तो लेकिन आपका जो तरीका है, जो आपका जो मेथड है, आप लोगों को अपने फार्म पे बुलाते हैं जी, वो पिकिंग करके लेके जाते हैं, प्लस आप उनको ऑनलाइन डिलीवरी भी दे रहे हैं जी, दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ से पूरे मुल्क में भी आपकी यहाँ से जा रही है जी, बिल्कुल। तो बताइए कि यहाँ से कितनी गाड़ियाँ डेली की इस पूरे इलाके में अगर हम बात करें तो कितनी गाड़ियाँ जाती हैं तारक साहब? यहाँ से तकरीबन कम अज़ कम 25-30 गाड़ी एक गांव से जाती हैं डेली के साथ, डेली के हिसाब से। तो ये 4 गांव हैं, ये 4 गांव हैं, आप खुद सोच रहे हैं कितनी गाड़ियाँ जाती हैं। इसका मतलब 100 गाड़ी डेली डेली जा रही है पूरे पाकिस्तान में, और एक गाड़ी में कम अज़ कम 300 से लेकर 450 तक कार्टन जाता है
बिल्कुल ठीक है जी। और हमारा जो जामन है वो रावलपिंडी में जा रहा है, ठीक है, और उसके अलावा पेशावर में और अकाड़ा में भेज रहे हैं, मुल्तान में भेज रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारा जामन है वो इस्लामाबाद में जा रहा है। कितनी पेटियां आप ऑनलाइन बेचते हैं? ये सर पहले तो ऑनलाइन सच्ची बात है कि बिल्कुल नहीं थी, तो जब से आपने वो फेस्टिवल शुरू हुआ है तो ये लोग आए हैं और लोग आप मुझसे, मगर पिछली दफ़ा मैंने कम से कम 500 पेटी जो है ना ऑनलाइन मैंने भेजी है, और यकीन करें कि मुझे उतना फ़ायदा मंडी में भेज के नहीं हुआ जितना ऑनलाइन में हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारे फार्मर को अडॉप्ट करना चाहिए कि वो डायरेक्ट कंज्यूमर को जो है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल, ताकि उसको बेहतर चीज़ें जो है ना, वो मंडी वाले हमें कुछ नहीं देते। अच्छा, इधर हम जामन जितना मर्जी अच्छा भेज लें, जो मर्जी कर लें, वो जब हम ऑनलाइन भेजते हैं वो हमें, वो जो कस्टमर खुश भी होता है और पैसे भी मुनासिब रखते हैं और पैसे मिलते हैं, और फिर भी हमें उससे ज़्यादा मिलते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि जैसा आप ये जो हार्वेस्टिंग है, हमें जो लग रहा है कि जरा बड़ा मुश्किल काम है इसकी हार्वेस्टिंग करना, तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन लोग होते हैं ये जो आपके यहाँ पे बंदे आपने लगाए हुए हैं? ये सर सबसे पहले तो हमें मज़दूर रखने पड़ते हैं, कम से कम 25-30 बंदा जो रखना हमने, एक बंदे की ड्यूटी है उसने ऊपर जो सिर्फ तोड़ने हैं, एक बंदा वो छोड़ के आएगा, एक बंदा जो पैकिंग करेगा, एक बंदा सिर्फ उसने वो उसकी जो करनी है जो अच्छा बुरा जो निकालना है, जो ठीक है ग्रेडिंग करनी है उसकी, तो ये काफ़ी मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है। उसके बाद जब हम वो अगला प्रोसेस पैकिंग करते हैं और आगे भेजते हैं, उसका भी किराया है, आगे तक वो जब आठ तक जाता है वो अपना वो भी हिस्सा निकालता है, वो आप खुद सोचेंगे हमें क्या मिलता होगा। बिल्कुल सही। देखिए बड़ी फेस्टिविटी है आज यहाँ पे, जब हम आए हैं हमारी टीम पूरी, तो जहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और हर तरफ बागों में जो है लोग फिर रहे हैं और लेबर्स लगी हुई हैं सारी, और वो तोड़ रहे हैं और तोड़ के ला के फिर वो यहाँ पे मतलब चीज़ों में इकट्ठी करते हैं, फिर आगे वो जो आपका जो पैकिंग यार्ड है वहाँ पे लेके चलते हैं। जी। अच्छा ये बताइए राजेश साहब के आप कितनी जो है ना पर एकड़ आपकी इनकम जो है यहाँ से हो रही है? सर पर एकड़ अगर हम कम से कम 6 लाख रुपया जो ना एवरेज हम कमा लेते हैं, ठीक है, उसमें खर्चा आप निकालें 2 लाख रुपया और पर एकड़ हमें 4 लाख माशाल्लाह बच रहा है। तो आपकी कितनी जमीन है यहाँ पे? वो अगर 2 मरबे का जो है ना जी मेरा, यानी इसकी 50 एकड़ का आपका ये जामन का बाग है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसके साथ आप देखिए आप इंटरक्रॉपिंग भी कर रहे हैं दरख्तों के साथ साथ, डिफरेंट जो है ना वो फसलें भी लगाते हैं सारी, तो इसके साथ कौन कौन सी फसल आप फिर लगाते हैं इसके साथ? सर गंदम काश्त हो रही है, कमाद काश्त हो रहा है। अच्छा आप जामन के साथ ही गंदम भी लगाते हैं? जी। और इसके साथ डिफरेंट बाकी क्रॉप भी लगाते हैं? जी लगा रहे हैं। तो सब्जियां भी आपके इलाके में? सब्जियां भी, जी सब्जियां भी हो रही हैं। कौन कौन सी सब्जियां इसके साथ आप लगाते हैं फिर? सब्जी सर वो कद्दू है, बैंगन है, करेला है, वो सारी टिंडे हैं, ये हर जो सब्जी अभी तक काश्त हो रही है। फी पौधा जो है इससे क्या आप कमा रहे हैं एक पौधे से? फी पौधा हमें कम अज़ कम जो है ना जी कम अज़ कम 25-30 हज़ार रुपये दे रहा है। बिल्कुल ठीक जी। इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि यहाँ से अगर 30 पौधे इसके किनारों पे लगे हुए हैं तो उस हिसाब से आप जो है ना 5.5 लाख जी, वही आपको बता रहा हूँ कि 5-6 लाख अगर कमा रहे हैं और 4 लाख हमें साफ ही बचा। अच्छा कितने और भी तो लोग हैं बाहर से, लोग आते हैं जो यहाँ पे आके ठेके भी लेते होंगे जामन तोड़ने के, उसको पैकिंग करने के, तो वो कितने लोग यहाँ पे आपके पास आते हैं पूरे? एक आदमी कम अज़ कम 50 से 55 हज़ार रुपये ले रहा है। ठीक। इसका मतलब ये है कि इलाके के लिए ये एक बहुत बड़ी रोज़गार का जरिया भी है। आपको गांव में कोई लड़का नहीं मिलेगा, कोई आदमी नहीं मिलेगा। अच्छा इसमें आप बताइए कि जैसे अभी हम बहुत सी और फसलों में जा रहे हैं तो वहाँ पे खवातीन भी बड़ा काम करती हैं, तो इस हवाले से बताइए कि जामन की पिकिंग में कितना किरदार है? जो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। जी खवातीन जो है वो उनका काम ये था कि वो छांटी करती हैं। अच्छा। वो जामन जो है ना वो उन्होंने उधर पैकिंग के लिए बिठा देना उनको, उन्होंने छांटी कर देनी है, वो उनका काम होता है खवातीन का। आपने सबके लिए जो है ना काम ढूंढा हुआ है? जी जी जी। इसी तरह डिफरेंट काम जो हो रहे होते हैं? जी जी। कोई पैकिंग कर रहा है, कोई सिर्फ उसका काम तोड़ है, किसी काम उनके पीछे रहना, उसे बताना, किसी सीढ़ी वाला जो बंदा है स्पेशल बंदा है। अच्छा अच्छा देखे ना आपके पास सीढ़ियाँ पड़ी हुई हैं। हाँ जी। तो ये हर बंदा नहीं लगवा सकता। अच्छा ये जो सीढ़ी वाला बंदा उसकी तनख्वाह भी ज्यादा और ज्यादा होगी। अच्छा वो उसका काम सिर्फ सीढ़ियाँ बनाना, सिर्फ सीढ़ी लगा के देनी है बस, बंदा वो स्पेशल होगा। तो जो सीढ़ियाँ बनाते हैं ये भी आप इधर ही बनाते हैं सर? ये सर वो फैसलाबाद के साथ वो जो है डिजकोट से आगे ये वहाँ से लेके आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये देखें इसके साथ कितनी इंडस्ट्री जो है ना जुड़ी हुई है, कि ना सिर्फ वो ऊपर से तोड़ना, उसको पैक करना और उसकी बाकी चीज़ें, लेकिन ये इसके साथ साथ जो इसके जो चीज़ें टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो भी एक तरह का एम्प्लॉयमेंट है। सीढ़ी हर दफ़ा नहीं लेनी पड़ती है। अगर सीढ़ी नहीं लेनी पड़ती है राय साहब, तो उसका मतलब ये है कि फिर इनका भी तो बिजनेस चल रहा है ना, चल रहा है। हर दफ़ा बांस की एक डिमांड निकल रही है जी। वक्त के साथ महंगाई तो बिल्कुल हो रही है, तो प्राइसेस में कितना फ़र्क पड़ रहा है पहले आज से पिछले साल? क्या प्राइस थी जामन की इस साल में? क्या प्राइस? शुक्र अल्लाह का सर वो
इस दफ़ा काफ़ी फ़र्क पड़ा। पिछली दफ़ा आपको पता होगा 1200 रुपये था, ठीक है, आज माशाल्लाह हमने जो मंडी का रेट है वो 2200 रुपये है। नहीं साहब, पैकिंग का भी थोड़ा सा देखते हैं, आपका जो प्रोसेस है, ये जो पैकिंग हो रही है ना बड़े डब्बों वाली, ये हम मंडी बेचते हैं, ठीक है जी। वो छोटे जो गिफ्ट पैक पड़े हुए हैं ये ऑनलाइन ऑर्डर के लिए, बिल्कुल ये ऑनलाइन बेचते हैं उनको। बिल्कुल सही है। तो आप ये देखिए कि कितने अभी आपके आज की जो पिकिंग हुई है, कितने आपने आज बॉक्स में पिक, ये कम से कम 100 के लगभग कार्टन हो जाएगा। अच्छा, मार्केटिंग के हवाले से आज राय साहब बताइए कि जामुन की जो मार्केट है, इसमें आप क्या समझते हैं कि कितनी बेहतरी लाई जा सकती है आपके साथ? हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा हो कि डायरेक्ट बंदे तक जामुन पहुँचे, सही, और हमें उसका जो ना वो मुआवजा पूरा मिलेगा, ऐसे नहीं मिल सकता। अच्छा, ये सोल्यूशन आपने सोच लिया हुआ है? जी, हम ये सोच रहे हैं कि डायरेक्ट वो काम सही है, और जो मंडी में वाला जो काम वो नहीं है। अगर कोई नया फार्मर इसको लगाना चाहे तो क्या उसके लिए आप इतना कर सकते हैं? सर, वो जो हेल्प लेना चाहेगा हम देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पौधे लगाना जी, इसकी पौधे कहाँ से मिलेंगे, कितने लगाने हैं, इसकी पूरी जो गाइडलाइन है, इसकी पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग तक हर चीज़, जी हर चीज़ हम देंगे, कोई अगर बंदा करना चाहे मशवरा लेना चाहे हम हाजिर हैं। अच्छा, ये बड़ा ट्रेंड देखा गया है कि हमारे मुल्क में जो नौजवान हमारे तबका है वो मोस्टली एग्रीकल्चर में जो है ना वो नहीं आ रहा जी, और अब हम हमेशा हम कहते हैं कि किसान का जो बच्चा है वो भी किसान बनना नहीं चाहता। तो आप माशाल्लाह यंग हैं और इस फील्ड में हैं, क्या मैसेज देते हैं कि आप ये हमारे यूथ को इस एग्रीकल्चर में आना चाहिए जिस तरह की आप? जी, मैं तो कहता हूँ जी आना चाहिए, इसमें अपना ही मज़ा है, अपनी सरजमीन है और अपना काम करने का अपना ही मज़ा है। इस ज़मीन में हम जो कर रहे हैं, जो जितना भी मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा सिला मिलता है, तो मैं सब दोस्तों से कहूंगा कि ये इसमें आना चाहिए। अच्छा, आने वाली इंडस्ट्री एग्रीकल्चर जी, जी बिल्कुल। देखिए जी, हमारे जो नौजवान है इसका इस फील्ड में आना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आज हम आपको अभी लेके चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे इसका सिरका, इसका जैम, और इवन वहाँ पे एक मशीन भी लगा दी गई है जिससे फार्मर की जो है पूरी ट्रेनिंग कराई गई है। और इस गाँव के अंदर अभी जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये पूरा गाँव जो है चारों तरफ चार गांव में इतनी ज़्यादा जामुन जहाँ पे ज़ाया होती है, अगर हमने वो वाला तरीका सीख लिया तो हमारा जो फार्मर है एक एकड़ से जैसे नईम साहब बता रहे हैं कि 4 लाख कमा रहे हैं, इंशाल्लाह जो 40 लाख कमाने के काबिल भी हो जाएंगे। जी, अभी हम बाग में मौजूद हैं जहाँ पे ये पैकिंग हो रही है। आप देख रहे हैं कि जामुन जो है वो बहुत ही कम अर्से के लिए मार्केट में आती है और बड़ी पैराशिप आइटम है और बड़े जल्दी ये जो है ना ख़राब हो जाती है। तो इसका जो बेहतरीन हाल जो है इसकी पैकिंग के हवाले से हम बात करेंगे। रोशन पैकेजेस ने जो बॉक्स डेवलप किया है और इंट्रोड्यूस कराया उस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं उसामा खान। ये तो आपने इस बॉक्स के बारे में बताइए कि क्या कैसे पैकिंग करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है और फार्मर क्यों अडॉप्ट कर रहा है इस चीज़? जो रोशन पैकेजेस कंपनी है तकरीबन 2012 से ये अपने फ्रूट के सेक्टर में, ये हमारा इस टाइम हमारा किन्नू मैंगो जितने भी बड़े टमाटर हो गया और इसके अलावा बनाना वगैरह जितने भी फ्रूट के बॉक्सेस हैं उसमें एक्सपोर्ट लेवल और लोकल लेवल दोनों में अपनी प्रोडक्शन कर रहा है। सबसे अच्छा क्वालिटी का पेपर इन्हीं के पास है यहाँ पे, पाकिस्तान और किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ पेपर भी इस्तेमाल करते हैं। जामुन के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस होते हैं कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये अपना कलर भी छोड़ती है, ये इसके साथ साथ पानी भी छोड़ती है, तो इसके लिए बॉक्सेस की जो क्वालिटी है वो दूसरे फ्रूट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। इसको पॉलीथीन में लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, इसको ज़्यादातर लोग पहले क्रेट में इस्तेमाल करते हैं। क्रेट की ये चीज़ है कि वो अगर कील आपका क्रेट अच्छा नहीं बना हुआ तो आपकी ये प्रोडक्ट डेड हो गई। पॉलीथीन का वैसे ही ग्लोबली लेवल पे कोरोना के बाद उसका इस तरह का एक इन्वायरमेंट बना हुआ है कि उसको एक जुर्म करार दिया गया है, लेकिन ये जो कोरोगेटेड है ये तो वैसे भी एक रिसाइकल है, रिसाइकल कर सकते हैं, यानी कि ये आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल होने के बाद भी ये एक प्रोडक्ट है उसके बारिया के लिए, ठीक है। इसको हमने इसके एक बॉक्सेस को तैयार किया गया है जिसमें हम एक फर्स्ट लेयर इसमें एक वाटरप्रूफ पेपर लगाया गया है जिसमें आपकी ये अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये सेंसिटिव प्रोडक्ट है, इसमें अगर पानी अपना छोड़ता भी है, कलर भी छोड़ता है, तो ये एक खास टाइम तक उस डब्बे को ना गीला होने देता है ना ही उसमें कलर आता है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की जान जो है ना उसकी वो प्रेजेंटेशन है, हम अगले की प्रोडक्ट कमिटमेंट और सर्विस इन तीनों को इंश्योर करते हैं, इसलिए हमने ये एक एक जेनेरिक लेवल का डब्बा तैयार किया है, ये 2.5 किलो का डब्बा है, ठीक है, इसको हमने टॉप बॉटम की शक्ल दी। अच्छा, इसको फार्मर जो है जितना मर्जी बड़ा भी बना सकता है, इसको कम भी कर सकता है, 1 kg से लेकर 10 kg तक जा सकता है, इट्स डिपेंड ऑन योर पैकिंग। ये आपका स्टैंडर्ड बॉक्स है, ये स्टैंडर्ड बॉक्स है, बाकी कस्टमाइज को बनाना चाहे वो बना, कस्टमाइज बनाया जिस तरह का चाहे, जिस तरह की क्वालिटी चाहता है वो हमारे पास अवेलेबल है, वो हमें कॉल करें। आप क्या कौन सी प्रॉपर्टी समझते हैं कि जो फार्मर जो है ना
क्यों इसको अडॉप्ट करा, बाकी बॉक्सेस की इसका क्या फ़र्क है? उसकी वजह सबसे जो मेन वजह है, एक तो ये है कि इसके हमने जो इसके ऊपर फ्रंट पे पेपर लगाया हुआ ना, इसकी अब्जॉर्बेशन जो है ना आम पेपर से ज़्यादा, यहाँ पे जो ये वाला जो जो फ्रंट पेपर जिसको हम कहते हैं, इसके जो अब्जॉर्ब है ना पानी को अब्जॉर्ब करना या कलर के डब्बे बना देना, इसका वो लगाया हुआ है जिस तरह का जो फूड पेपर पे होता है, लाइक अ पिज़्ज़ा फूड। नंबर टू, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी लगाई हुई है। ठीक, टॉप बॉटम एक्सपोर्ट क्वालिटी का मतलब ये होता है कि जब ये बाय शिप या बाय एयर जाता है तो ये कुछ दिनों तक परा रहता है कंटेनर में। कंटेनर में परा रहने से क्या होता है कि सबसे जो नीचे वाला डब्बा होता है ना उसमें इतनी पावर होनी चाहिए कि उसके ऊपर पर जो डब्बे पड़े हैं वजन वाले, नीचे वाले डब्बे में इतनी ताकत हो कि वो बैंड ना हो जाए। तो इस वजह से ये ई कॉमर्स यानी कि जो लोग घरों में ऑनलाइन काम कर रहे हैं, दो भी डिलीवर करना चाहते हैं, चार भी डिलीवर करना चाहते हैं, फार्मर जो है ना ऑनलाइन और अपनी फेसबुक पेज से, और ये हमारा जामन भी हमारा जो फार्मर है ये पूरे पाकिस्तान में इसको ऑनलाइन डिलीवरी दे रहा है। जी बिल्कुल, तो ऑनलाइन डिलीवरी के लिए भी ये बड़ा बेहतरीन जी। इसको हमने इसलिए देखे ना, आपने इसके डिज़ाइन पर गौर करें तो ये जेनेरिक लेवल का मतलब होता है कि हमने किसी किस्म की ब्रांडिंग नहीं की हुई। ठीक, ब्रांडिंग नहीं की हुई और यहाँ पे खाली जगह छोड़ी हुई है जहाँ पे बंदा जितना भी वजन डालेगा वो अपना यहाँ पे स्टैंप लगा दे या मार्कर से लगा दे। नंबर वन, उसके लिए यहाँ पे हमने व्हाइट जगह छोड़ी हुई है कि वो अपने ब्रांड का एक स्टिकर लगा सकता है या स्टैंप लगा सकता है कि कोई भी ब्रांड है कि वहाँ का जामन है। ये हमने उनके लिए फैसिलिटी की है, ये कॉल करेंगे हमें, हमारे पास डब्बा होगा 200 400 डब्बा, हमें एक सर्टन टाइम देंगे इनको और हम इनको इनके एड्रेस पे डिलीवर कर देंगे। बेहतरीन, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। जी, अच्छा इसमें जो आप देखें कि जो बॉक्स को में जो फ्रूट को फ्रेश रखने के लिए क्या क्या आपने चीज़ें इसके अंदर, इसका ये जो डिज़ाइन है, जो इसका डिज़ाइन है फ्रूट का, इस डिज़ाइन में आप देख रहे होंगे आपको यहाँ पे ये इसके कुछ सुराख नज़र आएंगे, ये एयर की क्रॉसिंग होती है। ठीक है, जब भी कोई फ्रूट बनता है या कोई भी चीज़ होती है उसमें कुछ फ्रूट ऐसे जिसमें एयर नहीं चाहिए होती है, लाइक मैंगो आपने देखा होगा या दूसरा देखा होगा उसमें वो मसाला लगा देते हैं नहीं, लेकिन जो जामुन है या कोई दूसरी चीज़ है इनमें एयर चाहिए होता है बिकॉज उसके पानी की वजह से उसकी सेंसिटिविटी। तो ये जो डिज़ाइन है ये उसी तरह से डिज़ाइन किया गया। बेहतरीन जी, देखिए जी हमारा जो प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, इसमें हमारी सबसे बड़ी जो इसका मोटिव यही होता है कि हमने अपने किसान को इस तरह एजुकेट करना है, इस तरह उसको गाइड करना है कि जो जो चीज़ें भी उसके इस्तेमाल में हो सकती हैं, जो पाकिस्तान में दी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं वो हम उन तक लेके जाएं। तो ये जो रोशन पैकेजेस ने बॉक्स डेवलप किया है वो हर हवाले से एज ए आपने गिफ्ट भेजना है, ऑनलाइन भेजना है या आप इसको मार्केट तक भी लेके जा रहे हैं, उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। कितना ज़रूरी है पाकिस्तान में इसको राख खाने में और इसकी वैल्यूएशन इसे बनाने में? जब बारिश होती है तो इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि हम उसको हैंडल ही नहीं कर सकते, तो इसकी मकामी इसी एरिया में एक प्रोसेसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। देखिए जी, क्या बेहतरीन किस्म की पल्प जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अभी हम जो आज की जो फार्म डिमॉन्स्ट्रेशन थी यहाँ पे हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद थे और हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं, उनसे बात करते हैं कि इस पल्प के क्या क्या फ़ायदे हैं और ये पाकिस्तान में किस तरह का इंकलाब ला सकते हैं। ये हमारे साथ जी मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं, ये पामिको इंडस्ट्रीज़ के CEO हैं और साथ में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अहमदीन साहब ने, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वैल्यूएशन के एक्सपर्ट्स हैं। तो सबसे पहले अरशद भाई आप बताइए, ये जो मशीनरी आज जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिस पर हमने आज फार्मर की डिमॉन्स्ट्रेशन हुई है, ये मशीनरी क्या चीज़ है? ये बेसिकली पल्पर मशीन है। पामिको टेक्नोलॉजीज़ ने पल्पर मशीन इस तरीके से डिज़ाइन की है कि जितने भी सॉफ्ट टेक्सचर वाले जितने भी फल और सब्जियां हैं हम इनकी इस मशीन के ज़रिए पल्प ले सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ फ्रूट पल्पर मशीन है, फूड ग्रेड है और पाकिस्तान की बनी हुई है, पाकिस्तान का अपना डिज़ाइन है। बिल्कुल, इसकी कितनी ज़रूरत है पाकिस्तान में? जैसे अभी जामन की बात करें तो एक इंतहाई पेरिशेबल आइटम है। हाँ। इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत थोड़ी है और मार्केट तक पहुंच भी नहीं पाता प्रॉपरली, तो इसको बड़ा ज़रूरी था कि इसको प्रिजर्व किया जाए, इसकी वैल्यूएशन सीधे बनाई जाए। तो कितना ज़रूरी है पाकिस्तान में इसको राख खाने में और इसकी वैल्यूएशन सीधे बनाने में? जब बारिश होती है तो इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि हम उसको हैंडल ही नहीं कर सकते। तो इसकी मकामी इसी एरिया में एक प्रोसेसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी वजह से हम उस वेस्ट को हम नफ़ा में बदल सकते हैं, क्योंकि जब इसकी प्रोडक्ट बनेगी वो जामन से दुगना कीमत पे जाएगी और फिर उसका शेल्फ लाइफ 6 माह से 1 साल तक हो जाएगी। आप इसको दूर दराज इलाकों में बेच सकते हैं, जामन को आप महफूज नहीं रख सकते, उसको कोल्ड स्टोर नहीं कर सकते, उसके एंजाइमेटिक चेंजेस आती हैं, उसको लंबे अरसे तक रखने की बजाय हम उसकी प्रोडक्ट बना लें। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए
पहला स्टेप है कि हम इसकी पल्प ले लें। पल्प के बाद एक इसका अगला स्टेप है जिसमें प्रोसेसिंग हम करते हैं, उसमें हम पाश्चराइजेशन करते हैं, उसमें हम इसकी ब्रिक्स कंट्रोल करते हैं, उसमें हम फ्लेवरिंग करते हैं, उसमें हमने अगर इसको शुगर फ्री करना है तो हम आर्टिफिशियल स्वीटनर उसमें डालेंगे। ये सारे काम दूसरी एक वेसल में, दो मशीनों का सेट है, एक पल्पर और एक प्रोसेसिंग वेसल। ये दो मशीनें अगर हमारे मकामी किसान, हर जो प्रोड्यूसिंग एरिया है, मैंगो वाले आ गए, जामुन वाले आ गए, स्ट्रॉबेरी वाले आ गए, वो अपने एरिया में एक फैसिलिटी लगा लें, मिलकर लगा लें, जॉइंटली लगा लें। हम कहते हैं 30-40% वेस्ट हो रही है, वो 30-40% बेसिकली हमारी इकोनॉमिकल वेस्ट हो रही है। जारी बात है, ये एक महंगा यूनिट है जी, और इसकी एक कॉस्ट आएगी। हाँ, और हमारे फार्मर जो हैं शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे निश्चित तौर पे कि आपकी दो मशीनें हम लगाएं। सही। तो हम क्या कोई ऐसा गवर्नमेंट फैसिलिटी करती है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज मौजूद है, सिर्फ अवेयरनेस पूरी तरीके से नहीं है। ज़रूरी तरक्याती बैंक ने लोनेबल आइटम में इस आइटम को भी शामिल अच्छा, कर लिया। अमेजिंग। तो उसमें आप चूँकि फार्मर हैं, आपके पास बहुत वैल्यू की ज़मीन है, आप आराम से डॉक्यूमेंटेशन करें और ये मशीन ख़रीद लें। सिर्फ एक साल की प्रोडक्शन से जो नफ़ा होगा, आप ये मशीनरी की कास्ट उसमें से मिनहा कर चुके होंगे। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अहमदीन साहब से भी हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप चूँकि एक साइंसदान हैं हमारे, और जामन पे आपका एक प्रोजेक्ट भी आप कर रहे हैं, तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पे भी थोड़ा सा बताइए कि क्या है और इसको किन किन बीमारियों में जामन जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है। ये वो फ्रूट है जिसके अंदर आयरन की अच्छी खासी मकदार मौजूद है, आयरन, और आयरन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी नई नस्लों के लिए, बच्चों के लिए, उनकी कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए, उनकी और ब्लड सर्कुलेशन के लिए, और HB को मेंटेन करने के लिए, जो कि हीमोग्लोबिन होती है और उसका पार्ट एंड पार्सल आयरन है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा कैल्शियम, इसके अंदर कैल्शियम की अच्छी खासी मकदार मौजूद है, और कैल्शियम आपको पता है हमारे पट्ठों के लिए, हड्डियों के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। तो इसी तरह इसके अंदर पोटाश भी है, और इसके अंदर विटामिन सी की भी एक अच्छी खासी मकदार मौजूद है। आयरन उस वक्त तक बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब भी नहीं हो सकता जब तक बॉडी के अंदर विटामिन सी की मकदार मौजूद ना हो, तो वो भी इसके अंदर वाफर मकदार में है। और पाकिस्तान में जो ज़ियाबीतस है, डायबिटीज़ है, ये डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, हम नंबर 4 से नंबर 3 पे आ गए हैं। और उसकी उन लोगों को भी हमने बताना है, शुगर और हाई शुगरी जो ड्रिंक्स हैं वो भी इसके अंदर एक, वो कह लें कि अनअवेयर होने की वजह से हमारी सोसाइटी में ये कुछ चीज़ें जा चुकी हैं, लेकिन इस फल के अंदर कुदरत ने इसको लो कैलरी का बनाया। ये हमारे ब्लड के अंदर जो ऑलरेडी ग्लूकोज है उसकी मकदार को निभाने देता, और इंसुलिन की जो सक्रीशन है बॉडी के अंदर, इसके अंदर ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। ये तो फिर डासा पूरा आयुर्वेदिक एक ट्री हुआ ना सारा। जी बिल्कुल। तो कहते हैं इसके पत्ते, इसका जो छाल है और इसका फ्रूट और इसकी इवन गुठली, उसके भी ऊपर भी तो पूरे एक मेडिसिनल वैल्यू है। तो गुठली के हवाले से भी तो इसकी बहुत ज्यादा लोग समझ, इसका पाउडर जो आप जैसे अभी अर्शद साहब फरमा रहे थे, ग़िज़ा भी है, दवाई भी है, ये लीवर की डिजीजेस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है बॉडी के अंदर। और इसके साथ हमारा जो कॉग्निटिव फंक्शन है ब्रेन का, इसके अंदर एंथोसायनिन्स हैं। एंथोसायनिन्स हमारे वो फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि कॉग्निटिव फंक्शन और ब्रेन के बेटर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इसके अलावा ये किडनी फंक्शन के लिए भी ज़रूरी है। बहुत अच्छा इसके कुदरती अफ़ाल हैं जो इसके अंदर ग्लूकोसाइड्स और इसके अंदर जैमोलिन, ये ऐसे इसके अंदर कंपाउंड्स हैं जो कि इसको इसकी अफादियत को बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात इसने की है, आपने जितना ये एक बीमारियों के खिलाफ कुव्वते मुदाफ़त भी पैदा करता है और इंसान को बचाता भी है, अल्लाह ताला ने इंसान को जितने भी फ्रूट दिए हैं बेसिकली वो समझ लें आपके लिए एज ए अल्टरनेट मेडिसिन है। तो जो आप प्रोडक्ट इसकी बना रहे हैं, इसकी वो भी मैं चाहूँगा कि हम अपने फार्मर्स को दिखाएं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो बना चुके हैं, और वो कौन कौन सी प्रोडक्ट है वो हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, हम ताकि हम फार्मर को भी बताएं कि क्या चीज़ें बनी। जी बिल्कुल, इसी तरह ये हमारा जो पावर फंडेड प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमें गवर्नमेंट ने टारगेट दिया था इसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, इसकी फार्मूलेशन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए।
उस ऑप्टिमाइजेशन में एक पहला जो था हमारा प्रोडक्ट वो था जामुन का, हमने ड्रिंक बनाना है। ठीक। और ड्रिंक आपको पता है बहुत ज़्यादा हमारे बेवरेजेस और जूसेस हमारे कंट्री में, क्योंकि हमारा हॉट ह्यूमिड वेदर है, हमें पानी की बॉडी की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए हमें ये चीज़ें मीट करनी पड़ती हैं। अच्छा, उसके लिए हमने इसकी ड्रिंक की रेसिपी को स्टैंडर्डाइज कर लिया। मेरी टीम ने हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में हम ये काम कर रहे हैं और मेरी टीम ने इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर लिया और इसका ड्रिंक ये हमने डाइट में इसको रखा है कि जो डायबिटीज़ के लोग हैं उनकी शुगर को ये कम करे, उनको उसकी शुगर को ये बढ़ाए ना, ब्लड शुगर को। इसके बाद हमने इसके नेक्टर को भी ट्राई किया। नेक्टर बाय डेफिनेशन ड्रिंक से ज़्यादा इसके अंदर इसके जूस कंटेंट्स हैं, पल्प के इसके अंदर ज़्यादा कंटेंट है। तो अब इसकी रेसिपी को भी हमने इसको स्टैंडर्डाइज कर लिया हुआ है। इसके साथ स्क्वैश आपको पता है बड़ा हेल्दी और मेडिसिनल और ये कह लें कि फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट अगर किसी बंदे ने हासिल करना है तो वो ये स्क्वैश भी, और ये हमने इसको भी डाइट में स्क्वैश में बनाया। और इसी तरह हमारे पास ये जैम है बच्चों के लिए, बड़ों में ये बड़ी एक नाश्ते के टाइम हर कोई सुबह को बड़ा फेमस होता है, तो इसको भी हमने डाइट में रखा है। तो ये वो वाले आइडियाज़ हैं जिनको करने की ज़रूरत है, इस अंडर यूटिलाइज फ्रूट को यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है और इससे मैक्सिमम कह लें कि हेल्थ बेनिफिट्स के जो हैं बेनिफिट्स वो हम इससे हासिल कर सकते हैं। अच्छा साहब, जो आपकी ये मशीन है सर, बेसिकली जो अभी डॉक्टर साहब ने जैसे अहमद साहब ने कहा कि हम स्क्वैश जैम सारी चीज़ें बनाते हैं, तो बेसिक तो इसकी पल्प है, हर चीज़ का बेसिक इंग्रेडिएंट्स है पल्प। सबसे पहले तो हमने पल्प पे जाना है, तो ये स्टार्ट होती है विद दिस मशीन। मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो आपकी कैपेसिटी बढ़ाने में, हाइजीनिक प्रोसेसिंग में इसका बड़ा कलीदी किरदार है। फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, तो हमने एक बेहतर प्रोसेसिंग टेक्निक को अपनाना है। आपका जो अदारा है, आपका जो अभी प्रोजेक्ट अभी आपके पास है, उसमें आप फार्मर को किस तरह एजुकेट कर सकते हैं, इसके अंदर आप इसको थोड़ा सा बताइए ताकि फार्मर आपके साथ कनेक्ट हो सके। जी बिल्कुल, हमारा जो प्रोजेक्ट है ये इसमें हमेशा से जो पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसमें आउटरीच ट्रेनिंग का हमेशा से इसकी अफादियत रही है। हमेशा हमारे इन अदारों ने अपने फार्मर को एजुकेट करने की कोशिश की है। अगर फार्मर ने हमें फ़ोन पे कांटेक्ट किया है, हमने फ़ोन पे उन्हें एडवाइजरी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की हैं। अगर वो हमारे पास आते हैं तो ट्रेनिंग के लिए अगर आते हैं, उनको कोई इन रिटन फॉर्म उर्दू में, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज वो चाहते हैं, हमने लिटरेचर डेवलप किया है, हम उससे भी उनकी रहनुमाई करते हैं। और अगर किसी को इन फ्यूचर भी किसी एडवाइजरी सर्विसेज की, किसी ट्रेनिंग की, किसी लिटरेचर की, किसी गाइडेंस की किसी टाइम भी ज़रूरत है, वो हमें आएँ बताएँ, हम हाज़िर हैं उनके लिए। ऐसा ये बड़ी अच्छी बात की आपने, जैसे अभी हमने आज फ्रूट देखा जामुन का, ये उसकी बेहतरीन पल्प पामिको इंडस्ट्री ने तैयार कर दी, ये बेहतरीन जैम अहमदी साहब ने बना दिया। और अहमदी साहब और ये टेक्नोलॉजी हमारे फार्मर के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो ना सिर्फ अपने फूड को ग्रो करने में भी इसमें आए, इसके साथ साथ वो इसकी वैल्यू एडिशन पे जाके ना सिर्फ वो अपने फ्रूट को ज़ाया होने से बचा सकता है, बल्कि वो इसके साथ साथ हमारे मुल्क के ज़र मुबादला में भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। जामुन हमारी बड़ी ही नेगलेक्टेड जो है, बड़े कम अरसे के लिए फ्रूट आता है, लेकिन आज के प्रोग्राम में आपने देखा इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, जो इसका आयुर्वेदिक वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा है। और इसकी बहुत ज़रूरत है कि हमारे मुल्क का किसान जो है इन चीज़ों को लेके अपने फी एकड़ मुनाफे को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जा सकता है। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।